नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी भोपाल की एक सार्थक पहल। पूरे भोपाल शहर में कोविड से सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा जन जागरूक अभियान। आज 1250 जेपी हॉस्पिटल में सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान रथ का शुभारम्भ भाजपा मीडिया वार्ताकार नेहा बग्गा और युवा आयोग के सदस्य विजय सिरवैया ने हरी झंडी दिखाकर किया है। ये रथ भोपाल के विभिन्न मार्गों से होते हुए कोविड से सुरक्षित रहने का संदेश देते हुए आम जन को जागरूक कर रहा है। कोविड से डरना नहीं है बल्कि सुरक्षित रहना है। मास्क का उपयोग करें, हाथों को साबुन से धोएं, 2 गज की दूरी अपनाना और वैक्सीनेशन कराना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तो परिवार और समाज सुरक्षित रह पाएगा। वहीं नेहा ने कहा कि यदि लोग सड़क पर थूकते हैं तो संक्रमण को फैलने की बड़ी वजह बन सकता है, इसीलिए सभी से अपील है कि सड़क पर ना थूके। कार्यक्रम में सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की चेयरपर्सन डॉक्टर मोनिका जैन मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजीव जैन ने किया है। भोपाल से सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।